हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है ब्रह्म सरोवर का, कुरुक्षेत्र का। तो ये ब्लॉग ज़रूर देखना, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और देख के बताना कि कौन सा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर और अंकल अपना गाड़ी पार्क कर रहे हैं उस साइड, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग सब साथ में अंदर जाएंगे। बादल कर दिया, देख रहे हैं, बादल कर दिए। आओ चलो, यहाँ पे खाने का बहुत सारा चीज है। क्या वो बहुत बड़ा सा है, पर इधर से छोटा कैमरा में छोटा लग रहा है। इधर बहुत सारा सामान मिल रहा है पूजा का। मम्मी को मैं दिखा रही हूँ, पर मम्मी ले नहीं रही है, तो हम लोग आने टाइम मतलब घर जाते टाइम खरीदेंगे। मम्मी सुनो ना, हो जाएगा बहुत अच्छा अच्छा सामान। मम्मी और ये है ब्रह्म सरोवर। यहाँ आके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत पीसफुल जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो चलो आगे चलते हैं और दिखाती हूँ आपको मंदिर। ये देखो सरोवर है यहाँ। संकट मोचन नामक हारो, कितना सही वाइब आ रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कितना सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यही सरोवर में दुर्योधन छुप गया था, मतलब जब सारे मारे गए थे, सारे 100 भाई वो लोग सब मारे गए थे, तो वो आके यहीं पे छुप गया था। मंदिर दिखा दीजिए, फिर बैठा दीजिए। ये है श्री सर्वेश्वर मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है ये, और ये बहुत अच्छा जगह पे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। यहाँ पे ना छोटा छोटा आटा का गोला बना के सब बेचता है, मछली सबको खिलाने के लिए। सर्वेश्वर महादेव जी, यहाँ पे बहुत सारा मछली है, दिख नहीं रहा होगा, पर देखो आटे का गोला आता है यहाँ पे, सब बेचता है 10-10 रुपए में। तो वो आटे का गोला डालोगे ना तो मछली सब खाने के लिए उसको आता है। यहाँ पे बहुत सारा मछली है, पर कैमरे में नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। इधर सब मछली को दाना देने गया है। ये बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलेगा यहाँ आने के बाद, बहुत अच्छा। मम्मी मुझे भी दो एक। यहाँ पे पैर करके बैठ सकते हैं क्या? वो भैया वो देख कितना, भैया 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 मछली देखिए ना, कितना बड़ा है, देखिए बड़ा मछली।
ये देखिए, ये आंटी इधर है, दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा। चलो अब मंदिर के अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का शिवलिंग कैसा है, ठीक है। वैसे तो हर जगह कैमरा मना ही होता है, पर यहाँ पे कोई था नहीं तो मैं गई तो मुझे कोई कुछ बोला नहीं। और यहाँ का शिवलिंग बहुत 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 सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पूरा सरोवर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग टोटो कर लिए हैं क्योंकि बाबा उतना चल नहीं पाते, तो बाबा के साथ साथ हम लोग भी टोटो कर लिए और सब लोग टोटो से पूरा सरोवर घूमने वाले हैं। रोकिएगा, जहाँ जहाँ मेन चीज है ना वहाँ रोकिएगा। इधर तो फोटो ले ही चुके थे ना। हम लोग थोड़ी गाड़ी करते तो बाबा के लिए करना पड़ा, बाबा को लेके। बाबा नहीं रहते हैं तो हम लोग के साथ, अभी तो ऐसे बाबा अकेले थे, बाबा के साथ भी दो चार आदमी रहता है। हाँ बहुत अच्छा ना, सुकून जैसा यहाँ लग रहा है ना, शांति मन। गगरी घाट लिख रहा है, देखिए फिसलने से बचे और क्या, फिसलने से बचे। यहाँ पे चलने उलने का था क्या? नहीं चलने का नहीं है, वहाँ नहाने का है। उसका जो घेरा हुआ है ना, वो सब नहाने का। तो अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं फोटोज क्लिक करवाने के लिए। यहाँ पे सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। रुको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सनसेट है, पता है, मतलब जहाँ हम लोग पहले थे ना वहाँ से देखने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अभी हम लोग सरोवर के दूसरे साइड आ गए हैं और ये मंदिर है श्री खाटू श्याम जी का, और हम लोग यहाँ पे अभी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। इन्हें श्री कृष्ण जी से वरदान मिला था कि इनका पूजा होगा उनके नाम से, मतलब श्याम जी के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से।
मंदिर के नीचे एक कुआं है जहां बोला जाता है कि माता द्रौपदी ने अपने केश धोए थे दुशासन के खून से, और यहाँ पे परशुराम जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया था और पांडवों ने यहाँ पे गुप्त दान किया था। इस कुएं के पास पांडवों ने तप भी किया था ताकि उनकी युद्ध में विजय हो। और यहाँ पे जो ऊपर में दीवार है, ये सब दीवार जो है ये 5000 साल पुरानी है, मतलब महाभारत के टाइम का ये सब दीवार यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे बना हुआ है अर्जुन जी का रथ, जिसमें कि श्री कृष्ण, अर्जुन और टॉप पे हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी इस रथ को प्रोटेक्ट करते थे। और यहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ हो गया है सब लोग, मतलब शाम होते होते और ज़्यादा भीड़ होने लगता है। और चलो मैं रथ को अच्छे से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जो टॉप है वहाँ पे एक झंडा है और वहाँ पे बजरंगबली है, जो कि पूरे रथ को, मतलब पूरे युद्ध में वो रथ को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मेरे पास कैमरा रहता ना, अच्छा वाला ड्रोन टाइप का, तो उसको पूरा कवर करके मैं दिखाती। एक्चुअली पता नहीं मेरे बस में ये होता या नहीं, पर मैं दिखाती। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ का आरती आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ ब्रह्म सरोवर का आरती जो होता है वो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।